स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। चाची, छलायन दीवार पर नहीं चढ़ सकती, पर हमारा आदि तो चढ़ सकता है ना। आदि बेटा, दीवार पर चढ़ो, जैसे तुम चढ़ते हो दीवार पर चढ़ो। दीवार पर चढ़ो आदि, जल्दी दीवार पर चढ़ो। आदि, पापा की बात मानो, दीवार पर चढ़ जाओ। आदि ऊपर चढ़ बेटा, ऊपर चढ़, मना मना बेटा, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, तुम चढ़ते रहो हमेशा ऐसे ऐसे करके, जल्दी चढ़ जाओ। आदि, दीवार पर चढ़ो आदि। तुम्हें कुछ मिला? नमन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कुछ मिला या यहाँ पे बैठ के झपकिया मार रहे हो? कुछ मिला? अरे बहुत कुछ मिला। तुमको पता है 150 तरीके के जीव होते हैं जिनको फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही बर्फ बना सकते हैं। और ऐसे ही जीव को मारने के लिए हमें इन तीन तरीके के हथियार की जरूरत पड़ती है। 150 में से किसी एक को ढूंढना जिसके पीछे हम गए थे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नमन, हमें कोई और क्लू ढूंढना होगा। वो तुम्हें कुछ मिला था ना, वो चीज जो बहुत चमक रही थी, कुछ लॉकेट जैसा चीज था, लेकिन हम उसको साफ से ना देख नहीं पाए। कहे कि इतनी रोशनी थी उसके अंदर कि जैसे उसका कपड़ा हम हटाए, मारा खच से हमारी आंख में हमारी आंख ही चोंगी आ गई यार। अच्छा, मैं समझ गई समझ गई समझ गई, कहाँ है वो भी? हाँ, यही यही रखे हम। लेकिन हम तुमको पहले बता दे रहे हैं, आंख बंद कर लेना, क्योंकि इतनी रोशनी है इसके अंदर की हमारी आंख चौंधी आ गई थी उसको देखते ही, तो हम तो नहीं देख पाएंगे। तुम अपनी सुरक्षा खुद करना। आंखें खोलो, कहाँ है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम अपने हाथ से रख के गए हैं। नमन, आयु श्योर तुमने इसमें ही रखा था? अरे सावी, हम झूठ कहाँ बोलेंगे, तुम बताओ। आखिर में हैं तो मतलब पार्टनर ही है ना हम लोग। ठीक है, उसका साइज, कलर, डिजाइन कुछ तो याद होगा तुम्हें? बाज जैसा? हाँ बाज, बाज जैसे, हाँ कुछ वैसे ही था। और था उसका, ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा दूसरा पक्षी। हम भाभी से आपके और उनके लव स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे, और वैसे भी हमें पता था कि आप तो कुछ बताने से रहे, तो सोचा भाभी से ही पूछ लेते हैं, है ना? तो भाभी, back to you, बताइए ना, भाई ने आपको कैसे प्रपोज किया? क्यों परेशान कर रहे हो उसे? उसका पहला दिन है घर पे, तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना, जाओ जाके तैयार हो जाओ। पता था कि ना आप कुछ बताएंगे ना भाभी को बताने देंगे, मैं तो बस ट्राई कर रही थी। एनीवेज, चलो नीलम। तारा बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी जिन भी परिस्थितियों में हुई है वो शायद तुम्हें ठीक ना लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये शादी हुई है ना? और अब तुम मेरी बहू हो, तुम दोनों की खुशी के लिए मैंने तुम्हें बहुत स्वीकार किया है। मयंक ने सब कुछ इतना अचानक किया कि मैं किसी को भी बता नहीं पाई, इसलिए आज रात मैंने माता की चौकी रखी है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के जीवन की नई शुरुआत माता के आशीर्वाद से, और इसी बहाने मैं सारे रिश्तेदारों से भी तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। आंटी, लेकिन आप तारा बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने जो भी कहा उससे तुम बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, लेकिन तुम यकीन मानो, थोड़े दिन में जया जी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। पता है बेटा, माएँ ना ऐसी ही होती हैं, वो बहुत देर तक अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती, और फिर तब तक मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं लेकिन माँ जैसी तो हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने ताम्रा को बोला है शाम के लिए तुम्हें नए कपड़े दे देगी, अच्छे से तैयार हो जाओ।
ध्यान रख तारा का। तू भी अच्छे से तैयार हो जाना शाम के। कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले, बेचारे उनको आइडिया भी नहीं है कि तुम कैसे हो। मैं भी नहीं पता। ऐसा था क्या? अरे हाँ, ऐसा ही था। लेकिन लेकिन तुमको कैसे पता चल गया? तुमको देखी भी नहीं थी, बिना देखे बना दी तुम। इसका मतलब वो राक्षस खेल था। राक्षस खेल? हाँ, वो राक्षस ही है जिसे मारने के लिए इन तीन हथियारों की जरूरत पड़ती है। और वो फ्रिज वाली शक्ति, बर्फ बनाने वाली, वो भी होती है उसके पास। अरे मतलब कि हम लोग राक्षस से दंगल करने गए थे? शायद। शायद हमें डैड को बताना होगा। हमारा फोन बज रहा है लगता। अरे देखिए, टॉकिंग अबाउट डेविल एंड डेविल, सर जी का फोन है। एक मिनट। हाँ जी सर जी। अरे अभी हम लोग आप ही को फोन लगाने वाले थे, तब तक आपका फोन आ गया। चलायन के बारे में पता करो जल्दी नमन। चलायन? चलायन के बारे में? आदि, दूर रहो हमारे मुन्ने से। अगर तुमने उससे कुछ किया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। देखो तुम्हारी दुश्मनी हमसे बता लो। मुन्ना के पास मत जाना, मुन्ना को कुछ मत करना। भाभी क्या करें, कैसे बचाएं हमारे मुन्ना को? मुन्ना को कुछ मत करना प्लीज। बाबा कुछ करिए। हाँ नमन, कुछ पता चला? ठीक है, मैं समझ गया। छलायन पर छाए लोग में छलांग नहीं लगा सकती, वो दीवार पर चढ़ नहीं सकती और फिर भी लोगों का खून चूसती है। उसके आगे क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा है रीवा वंशी जी। क्या क्या कहा नमन ने? छलायन दीवार नहीं चढ़ सकती? हाँ, लेकिन उसका हमें क्या फायदा हो सकता है? जय हो मैया की। तुमने क्या किया? पिया, ये तुमने क्या किया? मुन्ने के बारे में तो सोचो, वो बेचारा आग में फंस जाएगा। चाची, छलायन दीवार पर नहीं चढ़ सकती, पर हमारा आदि तो चढ़ सकता है ना? आदि बेटा, दीवार पर चढ़ो। जैसे तुम चढ़ते हो दीवार पर चढ़ो। दीवार पर चढ़ो आदि, जल्दी दीवार पर चढ़ो। आदि, पापा की बात मानो, दीवार पर चढ़ जाओ। आदि ऊपर चढ़ बेटा, ऊपर चढ़। बढ़ती जा रही है।
निशान जी अब क्या करेंगे? आग तो मुन्ना के पास पहुंच गई है। मैं जानता हूं, लेकिन हमारी आवाज उस तक पहुंच नहीं रही है। तो अब क्या करेंगे? मुन्ना को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दीवार पर छोड़ो आदि, जल्दी दीवार पर छोड़ो। काम कर रहा है, आग की लपटें भी कम हो रही हैं और शीशा का काला पड़ना भी। चलो कम से कम छलायन का खतरा तो नहीं रहा। अब बस आदि को शीशे से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है। भाभी, ये आग की लपटें तो बढ़ती जा रही है। निशान जी जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। ये है मेरे मयंक की पसंद, मेरी बहू तारा। मयंक की शादी कब हुई? आपने हमें बताया भी नहीं। हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। आइए ना, आइए। माँ, थामरा। बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा, माता रानी का प्रसाद बना लिया? अब माँ, एक्चुअली इतनी तैयारियों में टाइम नहीं मिला, मैंने बाहर से लड्डू ऑर्डर कर लिए। लड्डू से नहीं चलेगा बेटा, प्रसाद में शीरा बनता है, शगुन होता है जो लड़की वालों की तरफ से आता है। तो क्या हुआ, मैं भी तो तारा की माँ हूँ। एक काम करो, तुम लोग मेहमानों का ध्यान रखो, मैं तब तक शीरा बना लेती हूँ। ठीक है तारा? शादी का नाटक मुझे कब तक करना होगा? तुमने तो कहा था कि एक बार शादी हो जाने के बाद तुम मुझे बता दोगे कि मेरे पापा की मौत की वजह क्या थी। तो हो गई शादी, अब बताओ। मैंने मना कब किया? बताऊंगा। मयंक बेटा, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। आइए, आप दोनों माता रानी की पूजा प्रारंभ कीजिए। चलो। भाभी, आप चलिए, जल्दी चलिए कमरे में। नहीं बेटा, नहीं। बहू रानी का ऐसे बीच में पूजा छोड़कर जाना बहुत बड़ा शगुन होता है। हाँ पंडित जी, पर देखिए ना, वो ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रही है, पैर जला है उनका, पूजा कैसे करेंगी? करेगी। तारा थाली उठाओ। लेकिन भाई, मैंने कहा थाली उठाओ।
अभिभूता चुंबन शुंबन वैभव वर्धिनी अनासक्ति निष्काम वर्धिनी कष्टों का संधान करो माँ संकट का संत्राण करो माँ पाप शक्ति निष्प्राण करो माँ असुर शक्ति निष्प्राण करो माँ जय 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 अम्बे महाकाली जय 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 अम्बे महाकाली जय दुर्गे माँ शेरावाली जय दुर्गे माँ शेरावाली जय 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 अम्बे महाकाली जय 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 अम्बे महाकाली जय दुर्गे माँ शेरावाली जय दुर्गे माँ शेरावाली। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.